संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक प्रखंड मुख्यालय मैदान में शुक्रवार को किसान योगेंद्र महतो की अध्यक्षता में हुई। इस बैठक को संबोधित करते हुए किसान नेता अशोक राय ने बताया कि पिछले वर्ष 26 जनवरी को दिल्ली के चारों सीमा पर दिल्ली को घेर कर ट्रैक्टर रैली के माध्यम से किसानों ने धरना दिया था। उसी की याद में राष्ट्रव्यापी ट्रैक्टर रैली होगी, जिसमें भगवानपुर से 10 से 12 ट्रैक्टर बेगूसराय मुख्यालय में भाग लेंगे। वहीं निर्माण यादव ने कहा कि भगवानपुर से अधिक किसानों को ट्रैक्टर लेकर जाना चाहिए। वहीं गंगा प्रसाद यादव ने कहा कि जो सरकारी व्यवस्था है वो भी प्रखंड में भी धरातल पर लागू नहीं है। यूरिया हमारे किसानों को उचित दाम पर नहीं मिला, यहाँ के कृषि पदाधिकारी ध्यान नहीं दिए, सभी खाद बेचने वाला 400 रुपये प्रति बोरा खाद बेचा है। हम इस आंदोलन का समर्थन करते हैं। मौके पर चित्रंजन चौधरी, शंभुनाथ चौधरी, सिकंदर महतो, रंजन कुमार, फुलेना यादव, मदन पासवान, सुभाष यादव, विजय चौधरी, राम प्रकाश सिंह, सुंदेश्वर प्रसाद सिंह, हेमंत कुमार, लालू शर्मा, मदन पासवान, संजय चौधरी, सहदेव पासवान, नरेंद्र ठाकुर, फूलन सिंह, सुनील साह आदि मौजूद थे। भगवानपुर से चंदन शर्मा की रिपोर्ट। इस माध्यम से क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं जो सरकारी भी व्यवस्था है वो भी इस ब्लॉक में धरातल पर लागू नहीं है। हमारे किसानों को यूरिया जो है उचित दाम पर नहीं मिला है। यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, बीओ हैं, एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं, ये लोग ध्यान नहीं दिए। सब खाद बेचने वाला 400 रुपये प्रति बोरा खाद बेचा है। और जहाँ तक ट्रैक्टर रैली की बात है, यह देशव्यापी किसान मोर्चा का सवाल है, इसका हम समर्थन करते हैं। और हम अपने साथियों के साथ इस बैठक के बाद, 26 के बाद हमारी अशोक जी से भी बात, अन्य लोगों से भी मैं बात करूंगा, और एक बृहद किसानों की बैठक करा के, और यह बिहार की धरती है, किसान आंदोलन का पहला रूप गांधी जी ने बिहार से चंपारण से दिया था। तो हम लोग चाहेंगे जो किसान का जो ज्वलंत मुद्दा है, जो सरकारी सब्सिडी के द्वारा किसानों को मिलता है, वो किसानों को मुहैया कराया जाए। और नहीं तो इस पदाधिकारी के खिलाफ जिले के हर प्रखंड में घूम घूम के आंदोलन खड़ा कराएंगे। यही मेरा कहना है। क्या नाम आपका? मेरा नाम हुआ गंगा प्रसाद यादव। आंदोलन जो ऑल इंडिया पैमाना पर तय किया है कि हर जिला मुख्यालय में 26 तारीख को ट्रैक्टर रैली हो। मैं आप तमाम साथियों से निवेदन करना चाहूँगा कि भगवानपुर भी उसमें कम न हो, और ज़्यादा से ज़्यादा ट्रैक्टर की व्यवस्था करके हम लोगों को भी जिला मुख्यालय में अपना प्रदर्शन करना चाहिए और करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। जय हिंद, जय किसान, जय जवान। क्या नाम आपका? मेरा नाम निर्वाण प्रसाद यादव है। क्या करने जा रहे हैं? ट्रैक्टर रैली होगा जो भगवानपुर से चल के बेगूसराय जिला मुख्यालय तक जाएगी। कितना लोग यहाँ से जा रहे हैं? कितना लोग जाएंगे इसका कोई गिनती रहेगा? कितना ट्रैक्टर जाएगा? 10-20 ट्रैक्टर जाएगा यहाँ से। बैठक का क्या मुख्य एजेंडा है? इस बैठक का मुख्य एजेंडा है जो ऐतिहासिक ट्रैक्टर रैली पूरे देश में 2020 से लगातार होते आ रहा है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, उसी परिप्रेक्ष्य में है जो बेगूसराय में भी एक सफल ट्रैक्टर रैली हो किसानों की, और इसकी धमक बिहार में, देश में सुनाई दे, जो किसान फिर अंगराई ले रहा है किसान आंदोलन को खड़ा करने के लिए। और किसान जब जगेगा तो निश्चित मोदी को झुकना पड़ेगा और किसानों की मांग को पूरा करना पड़ेगा। ये 26 जनवरी जो ऐतिहासिक दिन है, राष्ट्रीय जो पर्व है 26 जनवरी, इसी तिथि को पिछले साल भी हुआ था और इस बार भी पूरे देश में राष्ट्रव्यापी आंदोलन है। अशोक राय, इस बैठक के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बैठक है विशेष रूप से, हम लोग 26 जनवरी को प्रतीकात्मक रूप से 26 जनवरी के दिन ही दिल्ली में ट्रैक्टर रैली निकली थी, जिसको सरकार के द्वारा इसको सैनिटाइज करने का प्रयास किया गया था। उसी के इसमें प्रत्येक 26 जनवरी को किसान संयुक्त मोर्चा
एक ट्रैक्टर रैली निकालती है, तो इस जिला में भी ट्रैक्टर रैली है 26 जनवरी को, उसी की तैयारी के लिए ये बैठक बुलाई गई है। क्या नाम है? चित्रंजन चौधरी। क्या कहना चाहेंगे? हम लोग कहना चाहेंगे कि किसानों के जो वाजिब डिमांड हैं उस पर सहानुभूतिपूर्वक केंद्र सरकार विचार करे और उसको उचित सामान मुहैया करे, ताकि किसानों में जो आक्रोश है उसको शांत किया जा सके, वरना इसका प्रतिफल सरकार को भुगतना होगा। 26 जनवरी को क्या आपका प्रोग्राम है? 26 जनवरी को हम लोग वहाँ बेगूसराय में धरना प्रदर्शन आंदोलन करेंगे, ट्रैक्टर रैली है, ट्रैक्टर रैली को करेंगे हम लोग। सफल बनाने के लिए यहाँ से कितने लोग जा रहे हैं? यहाँ से अभी तो हम लोग प्रयास करते हैं कि अधिक से अधिक संख्या में जाए, लेकिन कम से कम 10-20 ट्रैक्टर तो जरूर जाएगा यहाँ से। बेगूसराय जाएगा? हाँ, भगवानपुर से। उस दिन राष्ट्रीय ध्वज फहराना है, उससे कैसे कैसे जाएगा उस दिन? वो दूसरी बेला में है प्रोग्राम, 12 बजे से है, तब तक राष्ट्रीय ध्वज तो फर्स्ट हाफ में फहरा करके जब उसके बाद जाएंगे। क्या नाम है आपका? योगेंद्र महतो। के वरिष्ठ चिकित्सा विशेषज्ञ की टीम अब आपके शहर बेगूसराय में। अमर ज्योति हॉस्पिटल, जहां इमरजेंसी सुविधा, आईसीयू, एचडीयू, ओटी, डायलिसिस फैसिलिटी उपलब्ध है। हमारा पता है अनुष्का, ITI NH 31, सुशील नगर, बेगूसराय।